हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं हमारे अंडमान ट्रिप का डे 5। डे 1 टू डे 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें हमने बारातंग कवर किया है, पोर्ट ब्लेयर कवर किया है और हमने हैवलॉक का डे 1 कवर किया है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं या आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी जाके चेकआउट करो। एक आपके लिंक आपको ऊपर मिल जाएंगे, बाकी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पे जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बट इस वीडियो को देखने के बाद जाना, ठीक है? अभी मत जाना, इस वीडियो को जब खत्म हो जाएगी तब जाना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आप अंडमान जा रहे हो या प्लान कर रहे हो और या फ्यूचर में कभी प्लान करोगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। क्योंकि अगर आप अंडमान जा रहे हो या आप स्पेशली आप हैवलॉक जा रहे हो तो आप वहाँ स्कूबा डाइव ज़रूर करोगे। तो डे 5 पे हमने अपने अंडमान ट्रिप की करी थी स्कूबा डाइव, और वो करी थी हमने 3500 रुपीज़ में। और 3500 रुपीज़ में आपको किसी भी, ये जो प्राइस है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, डीप सी डाइव के, एक होती है शोर डाइव जो आपको सी के किनारे वॉक करते करते अंदर ले जाते हैं, और एक होती है डीप डाइव, डीप सी डाइव, जिसमें आपको बोट में बैठा के थोड़ी जो समुद्र है उसके थोड़े अंदर लेके जाते हैं, वहाँ आपको डाइव कराते हैं डीप सी में। वहाँ के नज़ारे शोर डाइव से तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। वहाँ आपको बहुत बड़े बड़े कोरल्स मिलते हैं। तो अगेन मैं बात कर रहा था, ये वीडियो खास क्यों होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप 3500 रुपीज़ में, मात्र 3500 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से स्कूबा डाइव कैसे बुक कर सकते हैं। ये प्राइस आपको किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ये प्राइस आपको कोई ब्रोकर नहीं बताएगा आपको। अगर एटलीस्ट अगर आप ब्रोकर के थ्रू भी जाएंगे तो आपको 5500 में आपको डीप सी डाइव मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो वो और भी ज़्यादा कॉस्टली मिलेगी। तो 3500 में कैसे आप अपने स्कूबा डाइव कर सकते हैं हैवलॉक आइलैंड के अंदर, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, तो पहले जल्दी जाके इस वीडियो को पॉज करो और इस चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, और कोई आपका दोस्त वगैरह जा रहा है अपने फेसबुक पर शेयर कर दो उसके साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगेन आई एम रियली सॉरी कि ये जो डे 5 है थोड़ा टाइम लग गया मुझे इस वीडियो को लाने में, क्योंकि मैं बीच में गया था वृंदावन। वृंदावन की दो वीडियोज़ ऑलरेडी इस चैनल पर हैं, जिसमें मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि आपको वहाँ सबसे चीप और बेस्ट स्टे कहाँ मिल सकता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि आप वृंदावन बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है और भगवान का घर है, और वहाँ अगर आप जा रहे हो तो स्टे तो करोगे ऑब्वियसली फॉर अ डे। तो उस वीडियो में मैंने आपको स्टे के बारे में बताया। दूसरी वीडियो में मैंने आपको वृंदावन धाम के पूरे दर्शन कराए हैं, जो मेन मंदिर हैं उन सब के दर्शन, जितना भी मैं शूट कर पाया, जहाँ जहाँ शूट अलाउड था मैंने वहाँ शूट किया है, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा सुंदर है। आपको वो वीडियो देखने में और सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। वो वीडियो आपको सच में एक मेडिटेशन स्टेट में ले जाएगी। उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा, अभी ऊपर आ रहा होगा। और इस वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो, मुझे पता है, जल्दी से पॉज करो, अभी पॉज करो इस वीडियो को और जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, लेट्स गो टू हैवलॉक। सो दोस्तों, हमने अपने दूसरे हैवलॉक के दूसरे दिन की शुरुआत करी 4:30 बजे उठ के, क्योंकि हमें जाना था काला पत्थर बीच। काला पत्थर बीच एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बीच है सनराइज के लिए हैवलॉक आइलैंड पे। तो अगर आपको एक वहाँ की ब्यूटीफुल, वहाँ का जो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज़ अगर नोटिस करना है तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो सनराइज़ होना है बहुत जल्दी होता है, 5 बजे तो आपको पूरा सन ऊपर दिख जाएगा। तो अगर आप वहाँ जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा कम लोग मिलेंगे, और सुबह 4 बजे बहुत ज़्यादा दिन सा निकल जाता है। 4:30 बजे आपको ऐसा लगेगा कि हमारे इंडिया के वो लगभग 7 या 7:30 बज रहे हैं, तो आपको सुबह के 4:30 बजे ऐसी फीलिंग आएगी, क्योंकि वो जो ऑफिशियल जो लॉजिकल टाइम है वो थोड़ा वहाँ का डिफरेंट है, बट ऑफिशियल टाइम जो है वो सेम है। तक आने का जो रास्ता है ना वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये एक पूरा वाइट सैंड बीच है, और इस पर आपको ब्लैक रॉक्स भी मिल जाएंगे सुंदर सुंदर। और जो इसका नाम पड़ा है ना, काला पत्थर बीच का नाम जो पड़ा है, वो पास में एक विलेज थी जिसका नाम था काला पत्थर विलेज, उसी की वजह से वो नाम पड़ा है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो यहाँ पे ब्लैक रॉक्स मिलते हैं अक्रॉस द बीच, उसकी वजह से इसका नाम काला पत्थर बीच पड़ा है। जगह का नाम जो भी हो, पर जो यहाँ का सनराइज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि जब जो सन है ना, वो जब वो समुद्र से ऊपर उगता हुआ दिखता है ना आपको, वो आप सच में, वो इस वीडियो में मैं आपको, मैं बोल के नहीं बता सकता,
आप देख सकते हो, शायद आपको थोड़ी बहुत फील आ जाए, बट चल जब वहाँ जाओ, आप जाओगे ना तो वो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा। जब जो सन है ना धीरे धीरे ऊपर निकल के आता है, और वो जो सन है बहुत तेज़ी से ऊपर आता है, ठीक है, वो कुछ ही आपको ऐसा लगेगा एक या दो मिनट में वो पूरा ऊपर तक आ जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा पंचुअल होना पड़ेगा कि आप टाइम से जा रहे हो, सन राइज से वहाँ पहले पहुँच रहे हो, क्योंकि अगर आप वहाँ जिस टाइम सनराइज़ होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सन कब राइज होके एकदम ऊपर चला गया। तो हाफ एन आवर में आपको बहुत ज़्यादा सन ऊपर मिल जाएगा। सनराइज़ होने की स्पीड जो है ना, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा है उस जगह पे, और बहुत जल्दी सनराइज़ हो जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पंचुअल ऑन टाइम इफ़ यू वांट टू नोटिस दैट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग सनराइज़ ऑन कालापत्थर बीच। बात करते हैं इस वीडियो के मेन कंटेंट की, जो है स्कूबा डाइविंग। यस, स्कूबा डाइविंग। सो सुबह का खूबसूरत सा सनराइज़ देखने के बाद कालापत्थर बीच पे हमको जाना था अपने स्कूबा डाइव सेंटर पे, जो कि हमने 6 बजे स्केड्यूल कर रखा था। 6 बजे स्केड्यूल करने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि हमारा रिजॉर्ट था, एक्वा रिजॉर्ट, वहाँ सुबह ब्रेकफास्ट साथ में था, और वहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है, बहुत सारी वैरायटी होती है। आपका पेट ज़रूर भर जाएगा बट मन नहीं भरेगा, इतनी सारी वहाँ वैरायटी मिल जाती हैं। तो मैं और मेरी वाइफ से बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते थे उस ब्रेकफास्ट को। तो हमने वो सुबह अपनी स्कूबा डाइव सुबह 6 बजे स्केड्यूल करी, क्योंकि अगर हम उसे वो बाद में करते तो आप सोच के देखो, आप ब्रेकफास्ट करने के बाद सी के अंदर जाओगे तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी या आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप उसे खाली पेट करते हो, एम्प्टी स्टमक अगर आप स्कूबा डाइव करने जाते हो, तो वो बेस्ट होता है आपके लिए। कोशिश करो कुछ मत खा के जाओ, या बहुत ज़रा सा चाय बिस्किट आप ले सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। और चाय बिस्किट आपको जो आपके स्कूबा डाइव जिसके थ्रू आप स्कूबा डाइव करने जा रहे हो, चाय बिस्किट आप वो भी आपको, या कॉफ़ी वो आपको वहीं दे देते हैं। सुबह 6 बजे एग्जैक्टली हम पहुंच गए नीमो बीच पे, वहीं हमारा स्कूबा डाइव का सेंटर था जहाँ से हमने अपनी स्कूबा डाइव बुक कराई थी। वहाँ जाने के बाद हमने जल्दी से चेंज कर लिया चेंजिंग रूम में अपने स्कूबा डाइव वाले सूट्स, और सूट्स पहनने के बाद हम तुरंत चले गए। लगभग स्कूबा डाइव वाले भैया ने हमें आधा घंटा प्रैक्टिस कराई एकदम बीच पे ही, नॉर्मल वाटर में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई, और बताया कि अपने डाइवर के साथ कम्युनिकेट कैसे करा जाएगा पानी के अंदर। अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद वो हमें बोट में बैठा के ले गए डीप सी डाइव कराने के लिए, और वहाँ लाइफ जैकेट वगैरह वो सब पहनाते हैं, तो और आपके साथ को ड्राइवर रहते हैं तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं होती है, और आपको वहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर नज़ारे दिखते हैं। और जितने आप ये नज़ारे देख रहे हो, उतने मैं आपको बताता हूँ कि आप 3500 रुपीज़ में ये स्कूबा डाइव कैसे बुक कर सकते हो। तो साथ साथ में इन नज़ारों को एंजॉय करते रहना। तो एक हमने अपनी स्कूबा डाइव एक दिन पहले ही बुक करी थी, और सबसे पहले जब हम हैवलॉक गए थे तो हमें वहाँ पे कुछ ब्रोकर्स मिले थे, वो हमें 5000-6000 प्राइस बता रहे थे। तो हमने 5000 में बात कर ली थी एक ब्रोकर से, वो बोल रहा था कि मेरी ही शॉप है, बट उसकी शॉप नहीं थी वो मुझे बाद में पता चला। तो अगले उसी दिन शाम को उसने मुझे बुलाया था पेमेंट करने के लिए, तो मैं उसके पास गया, तो उसकी बातों से मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो ही इज़ नॉट द ओनर, वो ओनर नहीं है और ओनर कोई और है, बट वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो ओनर है और वो मुझे बेस्ट प्राइस दे रहा है। उसने फिर भी वो लगभग 5000 में मुझे वो फाइनल लगा लिया था, बट फिर भी मैंने ट्राई करने के लिए, कि मुझे पता था नीमो बीच पे सब जितनी भी स्कूबा डाइव होती है नीमो बीच पे ही होती है, तो मुझे वहाँ मुझे पता था कि वहाँ और भी ज़्यादा शॉप्स होंगी जो आपको स्कूबा डाइव कराती हैं। तो मैं डायरेक्टली नीमो बीच पे चला गया, वहाँ आपको और भी शॉप्स मिल जाएंगे पूरे हैवलॉक में, जो आपको 8000-9000 पर पर्सन भी बताएंगे, बट आप डायरेक्टली नीमो बीच पे जाओगे तो वहाँ आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी जो आपको स्कूबा डाइव कराएंगी। तो आप डायरेक्टली वहाँ जाएंगे ना, किसी भी ब्रोकर के थ्रू मत जाइएगा जो आपको जेटी पे मिलते हैं खड़े हुए जब आप आइलैंड पे आते हो, या आपको पोर्ट ब्लेयर में, या ऑनलाइन कहीं भी बुक मत कराना, डायरेक्टली नीमो बीच पे जाना। नीमो बीच पे आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, और आप उनसे डायरेक्टली बात करोगे तो अपने वो प्राइस बता देंगे, वो नेगोशिएट नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का प्राइस 5000 भी होगा, किसी का 3500 और किसी का 4000 भी होगा, तो आप 3-4 जगह ट्राई कर सकते हो, और वहाँ के जो जनरल प्राइस हैं वो 3500 हैं। तो आपको 2-3 शॉप ऐसी हैं वहाँ पे नीमो बीच पे ही ऑन रोड पे ही मिल जाएंगे आपको, जो आपको 3500 रुपीज़ बताएंगे। और अगर आप वही उनकी शॉप पे ही किसी ब्रोकर के थ्रू आते हो तो आपको 4500-5000 रुपये बताएंगे, क्योंकि वहाँ ब्रोकर ने जो आपको प्राइस बताया होगा वही प्राइस चलेंगे, वो आपको प्राइस कम नहीं बताएंगे अगर आप ब्रोकर के थ्रू वहाँ जाओगे।
तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, आप डायरेक्टली जाओ शॉप्स पे, नीमो बीच पे, और वहीं जाके बुक करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप खाली पेट मतलब एम्प्टी स्टमक सुबह सुबह जाना, जस्ट फ्रेश होने के बाद अपने स्कूबा डाइव को जल्दी अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल करना, 6 बजे 6:30 बजे, इससे लेट मत करना, और कुछ भी खा के मत जाना, क्योंकि आप जब डीप सी में जाते हो तो वहाँ का जो प्रेशर है, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो यू विल नॉट फील गुड अगर आपने कुछ भी खा रखा होगा। तो जो बेस्ट चीज़ है, अगर आपको भूख लगती है, क्योंकि वो स्कूबा डाइव लगभग आधे 45 मिनट्स की रहती है लगभग पानी के अंदर, उसके बाद आपको वो कॉफ़ी और बिस्किट्स वहाँ दे देते हैं शिप पे ही, शिप नहीं बोलूँगा, बोट पे, जब आपको वो वापस ला रहे होंगे स्कूबा डाइव से। तो उसके बाद आप अपने रिजॉर्ट में आके जो आपको नाश्ता पानी करना है, ब्रेकफास्ट करना है, वहाँ कर सकते हो। तो आप नीमो बीच पे जाना, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भी ब्रोकर के थ्रू या ऑनलाइन वेबसाइट पे आप स्कूबा डाइव बुक मत करना, आपको इजिली स्लॉट अवेलेबल हो जाएगा, और अर्ली मॉर्निंग वाला तो आसानी से मिल जाएगा, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट वहीं जाके बुक करना किसी भी शॉप पे डायरेक्टली। अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हो तो आपसे वो पहले पूछेंगे कि आप किसी ब्रोकर के थ्रू आए हो क्या, क्योंकि अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू आए होगे तो प्राइस ब्रोकर वाला ही लगेगा। तो अगर आपकी किसी ब्रोकर से बात भी हुई हो तो आप उनसे आप साफ मना कर देना कि मैं किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं आया हूँ, मैं डायरेक्टली आया हूँ, और मुझे आप प्राइस बताइए कि आप कितना प्राइस लेते हैं। और अगर आप वो 3500 आपको बोल रहे हैं तो सॉफ्ट फॉर गुड, वो जनरल प्राइस हैं, आपको कुछ कुछ शॉप्स 6000-7000 भी बोलेंगी, तो वो प्रीमियम शॉप्स होती हैं, उस पर प्रीमियम का मतलब है शायद उनके सूट्स थोड़े नए रहते होंगे, बोट थोड़ी और एक्सपेंसिव रहती होगी, बस यही सही होता होगा, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपेंसिव क्यों है। 3500 में आपको ऑब्वियसली सूट्स अच्छे मिलेंगे, शायद उनका चेंजिंग रूम इतना अच्छा ना हो, शायद उनकी बोट इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, बट आपका एक्सपीरियंस एग्जैक्टली सेम होने वाला है, चाहे आप किसी प्रीमियम शॉप पे जाओ, चाहे आप किसी थोड़ी लो ग्रेड वाली शॉप पे जाओ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। आपके जो कोट होंगे जो आपको लेके जाएंगे वो सारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, सबकी एक तरह की, सबकी ट्रेनिंग सेम होती है, सबकी डाइव सेम होती है, और जो डाइव की लोकेशन है वो भी सेम होती है। तो आपको इजीली 3500 में स्कूबा डाइव करने को मिल जाएगी। स्कूबा डाइव पे जाने से पहले कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले आता है कि अगर आपके ईयर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव का मतलब है मेरा, अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और वहाँ आपको जो एयर प्रेशर है बहुत ज़्यादा फील होता है, और बहुत सारे लोगों के ईयर में पेन भी होने लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, एयर प्रेशर से उनके कानों पे इतना जोर नहीं पड़ता है, उनके कान, उनके जो ईयर्स हैं इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके ईयर सेंसिटिव हैं और आप स्कूबा डाइव के लिए जा रहे हैं डीप सी के अंदर, तो जब आप डीप सी के अंदर जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा सेफ वाटर स्पोर्ट है एक स्कूबा डाइव, और जो क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग जाते हैं, आपको ट्रेन करते हैं जाने से पहले, तो आपके साथ हमेशा सपोर्ट रहती है, तो बहुत ज़्यादा सेफ वाटर स्पोर्ट्स है। ऑल्दो जो सबसे जो मेजर कंसर्न मुझे रहा है, अगर आपके ईयर्स ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, जब आप पानी के अंदर जाते हो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। ऑल्दो वो उसको ओवरकम करने के लिए आपको बताते हैं, जब पानी से डाइव करने से पहले आपको बताते हैं कि उसे ओवरकम कैसे करा जाएगा, इस अगर ये प्रॉब्लम आती है तो, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, सबको आती है, बीच में आपके कान बंद होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है आपके कानों पे। सो अगर आपके ईयर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो ईयरबड्स आप खुद लेके जाएं, वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप जाने से पहले ईयरबड्स खरीद लें जो आपके कानों को अच्छे से कवर कर लें और पानी ना जाने दें वहाँ पे, जो वाटर प्रेशर है वो आपके कानों पे ना लगे, तो आप वो ज़रूर लेके जाएं। आपको नहीं पता चलता है स्टार्टिंग में आपके ईयर सेंसिटिव है या नहीं, तो आप उसे पहले से लेके जाएं, आप उसे वियर कर लें, तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। तो उसके बाद हम सुबह 8:30 बजे पहुंच गए अपना ब्रेकफास्ट करने। ये वहाँ का व्यू था, बहुत अमेजिंग ब्रेकफास्ट रहता है, चाहे किसी भी रिजॉर्ट में आप रुक जाओ, बहुत सारी वैरायटी मिलती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपका पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। तो वहाँ का अच्छा सा व्यू, सुंदर सी रोड, कम से लोग, और वहाँ का सुंदर से बहुत टेस्टी सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम ने जो हमें मेन मेन जगह थी वो हमने कवर कर ली थी डे वन में, आप वाली वीडियो जाके देख सकते हो, ऊपर लिंक दोबारा मिल जाएगा। और वहाँ पे हम हैवलॉक को एक्सप्लोर करने के निकल गए अपनी आफ्टरनून में। तो जब आप वहाँ हैवलॉक को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत वहाँ पे आसपास पूरा जो आइलैंड है जंगलों से घिरा होता है,
और बेस्ट, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया कि जो वहाँ का आपका बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको स्कूटी या स्कूटर जो आप रेंट आउट कर रेंट पे लेते हैं तो वो बेस्ट है। स्कूटी इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल इनसाइड हैवलॉक और नील आइलैंड। तो जब आप स्कूटी से जाते हैं ना हैवलॉक को एक्सप्लोर करने के लिए तो आपको बहुत काफ़ी थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको काफ़ी सारे पैसेज मिल जाते हैं क्योंकि जो रोड्स हैं वो बीच के साइड में चलती हैं एकदम, तो आपको काफ़ी सारे पैसेज मिल जाएंगे बीच एक्सेस करने के लिए और ऐसे ऐसे बीच मिल जाएंगे जहाँ पे कोई भी नहीं होगा। आप वहाँ घंटों बैठ के बीच पे सुंदर सुंदर साफ साफ बीच पे घंटों बैठ के स्पेंड कर सकते हैं। शायद आपको वहाँ एक आध लोग मिले या कोई भी ना मिले, ऐसे आपको बहुत जगह मिल जाएंगे हैवलॉक आइलैंड पे। तो ये एक अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, ऐसा फील होता है जैसे खुद का प्राइवेट बीच है, आप जन्नत में चले गए हो और आसपास आपको कोई भी नहीं दिखता, कोई भी नहीं दिखता। कुछ कुछ आप एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको बहुत सारे ऐसे जगह मिल जाएंगी, पैसेज मिल जाएंगे जंगल के बीच से निकल के, मतलब जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे रोड के बीच एक्सेस करने के लिए। तो आप वहाँ जाओ, घंटों बैठो, फोटोग्राफी करो और आपको मज़ा आ जाएगा। तो हमारा जो हमने हैवलॉक को एक्सप्लोर करने के बाद शाम हो चुकी थी, हमें और कहीं जाना नहीं था तो वहाँ के दोबारा हम राधानगर बीच पे पहुँच गए। अगेन राधानगर बीच एक ऐसा बीच है जहाँ आप स्विमिंग कर सकते हो, जहाँ स्विमिंग अलाउड है और वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है, मेरी पुरानी वाली वीडियो में आपको देख के पता चल जाएगा। तो मैं रुक नहीं पाया, मैं दोबारा स्विमिंग करने के लिए वहाँ पहुँच गया, नहाने के लिए वहाँ पहुँच गया क्योंकि मुझे पता था कि इसके अलावा जो आपको राधानगर बीच के अलावा जो नहाने का मज़ा है ना वो लिटरली और कहीं नहीं आता है। नील आइलैंड पे आप जा सकते हो, वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। नील आइलैंड पे भी मैं समुद्र के अंदर नहाने गया था, बट यहाँ का जो बीच है ना, जो यहाँ का बीच है वो 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वाइट सैंड बीच है, खूबसूरत बीच है और यहाँ का सनसेट भी बहुत अमेजिंग है। तो और यहाँ का जो पानी ना बहुत ज़्यादा साफ़ है, आपको सच में आप खुद को नहीं रोक पाओगे वहाँ से नहाने के लिए, तो मैं भी नहीं रोक पाया। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा पानी के अंदर दोबारा से। सो आज मेरी वाइफ जो थी वो एक दिन पहले इन्जॉय कर चुकी थी राधानगर बीच पे पानी के अंदर, उनका मन नहीं था नेक्स्ट डे जाने का, तो बट मैं खुद को नहीं रोक पाया, मैं पहुँच गया और शी वॉज मेकिंग द वीडियोस और ये वीडियो उन्होंने बनाई थी। तो वहाँ का दोबारा बीच पे दोबारा इन्जॉय करने के बाद मैं वेट कर रहा था सनसेट का क्योंकि मैंने एक दिन पहले वहाँ का सनसेट देखा था, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करी है पिछली वाली वीडियो में वहाँ के सनसेट की और उस राधानगर बीच की। तो अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में, पूरे एशिया में आ गए या पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर का सबसे ज़्यादा खूबसूरत बीच है राधानगर बीच। तो वहाँ आप जितना टाइम स्पेंड करो उतना ही कम है, बहुत ज़्यादा 3 किलोमीटर्स तक वो बीच फैला हुआ है, जस्ट साइड में बहुत ही डेंस जंगल चलता है, आप वहाँ जंगल एक्सप्लोर कर सकते हो, उस बीच पे वॉक कर सकते हो और वहाँ आपको कोई भी कूड़ा करकट नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा साफ बीच है। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो से कि आपको मैं एक्सपीरियंस करा पाऊँ राधानगर बीच का एक खूबसूरत सा सनसेट, और इस वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कराया तो आप देख सकते हैं मैंने एक कैमरे को अपना स्टिल रख दिया था तो वहाँ ये खूबसूरत सा सनसेट आप नोटिस कर सकते हो। और इससे अगली वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे नील आइलैंड, वो इस पूरे एपिसोड सीरीज़ की लास्ट वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सुंदर सा आइलैंड है, एक दिन की वो वीडियो है, हमने एक दिन स्टे करा था, तो प्लीज़ वेट, शायद मैं कल वो वीडियो डाल दूंगा। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है और जाके इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जो भी अंडमान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, जल्दी से जाके शेयर कर दो और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दो चैनल को। आपसे फिर मिलते हैं नील आइलैंड की वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।